ये जो मैं आपके लिए गज़ल गा रहा हूँ इस वक्त, तो इसके साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं मेरी। मैं जब भी ये गज़ल सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आता है जब मैं पहली दफ़ा ये गज़ल सुनी थी। वो इस तरह के 87 में मैं इंग्लैंड जब आया था ना, तो उस वक्त मेरा एक दोस्त मुझे लेके गया था लाहौर कबाब रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे शफीक साहब के दोस्त थे, वो शफीक साहब इज़ दी ओनर ऑफ लाहौर कबाब। तो शफीक साहब के दोस्त थे ने जनाब बैठे वहाँ पे रेस्टोरेंट में गए, तो शफीक साहब ने बड़ी खिदमत की हमारी। तो जी हमें छोड़ने के लिए घर आए वो शफीक साहब। तो वापसी में ना जनाब शफीक साहब ने हमें ये गज़ल सुनाई अपनी आवाज़ में, एंड बहुत ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया इसको। तो मेरे फ्रेंड ने भी बहुत इन्जॉय किया, वो बड़ी प्यारी आवाज़ होती थी उनकी। तो आवाज़ से महसूस ये होता था कि जैसे ना एज इफ किसी सिंगर ने गा सुनाई है आवाज़, इतना मज़ा आया मुझे सुनने का। तो ही वॉज़ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सिंगर। तो मैं अब आपको अपनी आवाज़ में सुनाऊँगा तो आपको महसूस होगा कि व्हाट अ बैड सिंगर आई एम, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा ना करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा ना करे, वो दिल ही क्या पुकारा तूने जो हालात के अंधेरों से, पुकारा तूने जो हालात के अंधेरों से, मिलेगी मेरी वफा तुझको रोशनी बन कर, मैं जिस मुकाम से गुजरूंगा लेके नाम तेरा रहेगा साथ, तेरा प्यार जिंदगी बन कर, ये और बात है मेरी जिंदगी वफा ना करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, वो दिल ही क्या किसी तरह से ही वो लोग भी तो जिंदा है, किसी तरह से ही वो लोग भी तो जिंदा है जिन्होंने उम्र गुजारी है बेवफाई में, तड़प के हिजर की रातें गुजर ही जाती हैं, ये ठीक है नहीं मरता कोई जुदाई में, खुदा किसी को किसी से मगर जुदा ना करे, वो दिल ही क्या तेरे मिलने की
जो दुआ ना करे मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं, खुदा ना करे वो दिल ही क्या। मैंने जो हालत की है गजल की उसके ऊपर मुझे खुद हंसी आ रही है इस वक्त तो। लेकिन बेयर विद दैट प्लीज, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।